हेलो बच्चों, मैं संध्या पांडे एसआईसी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम क्लास 8 संस्कृत के 9वां पाठ, जिसका शीर्षक है श्री रामा पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए हम इसका ये पूरा पाठ पढ़ करके इसका अनुवाद करते हैं और इसके सारांश को समझते हैं। पुरा अयोध्यायां रघुकुले दशरथः नामः नृपः आसीत्। प्राचीन काल में अयोध्या में रघुकुल में दशरथ नाम के एक राजा थे। मैंने प्राचीन काल में अयोध्या के रघुकुल में दशरथ नाम के एक राजा थे। दशरथस्य त्रिस्रः राज्ञः आसन्। दशरथ की 3 रानियां थीं। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी च। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्। उनके 4 पुत्र थे, रामः, लक्ष्मणः, भरतः, शत्रुघ्नः च। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। कैकेयी भरतस्य जननी आसीत्। कैकेयी भरत की माता थी। तथा लक्ष्मणः, शत्रुघ्न च सुमित्राया पुत्रो आस्ताम्। और लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न सुमित्रा के पुत्र थे। मैंने ये दोनों सुमित्रा के पुत्र थे। चतुर्णामेव राजकुमाराणां मित प्रगाढ़ स्नेह आसीत। उन 4 राजकुमारों में आपस में बहुत अधिक स्नेह था, प्रेम था। चतुरान एव पुत्रान दृष्ट्वा, अपने इन 4 ही पुत्रों को देखकर दशरथा भृशं प्रसीदत यस्मा, दशरथ बहुत अधिक प्रसन्न होते थे। कौशल्या रामस्य जननी आसीत्। कौशल्या राम की माता थी। अब आइए अगला पैराग्राफ देखते हैं। एकदा ऋषि विश्वामित्र आगत्य दशरथम अवदत्। एक दिन ऋषि विश्वामित्र आकर दशरथ से बोले, राजन, बने राक्षसा मम यज्ञम नाशयन्ति। हे राजन, वन में राक्षस मेरे यज्ञ का नाश कर रहे हैं। यज्ञस्य रक्षाय मम रामम लक्ष्मणम च मह्यम देहि। और यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को मुझे दो। दशरथ ऋषे वचनम स्वीकृतवान। दशरथ ने ऋषि के वचन को स्वीकार किया। और दशरथस्य आज्ञाया ऋषि तौ अनयत। तथा दशरथ की आज्ञा से ऋषि ने उन दोनों को ले लिया, मतलब उन दोनों को वन ले गए। सह तत्र तौ धनुर्विद्याम अशिक्षत। उन्होंने, अर्थात ऋषि ने, तत्र माने वहां, तौ माने उन दोनों को धनुर्विद्याम अशिक्षत, धनुर्विद्या सिखाई। अथ तौ तत्र राक्षसान नाशित्वा। उसके बाद उन दोनों ने वहां राक्षसों का नाश करके यज्ञम अरक्षताम, यज्ञ की रक्षा किया। अगला पैराग्राफ देखते हैं। महर्षि राम सह तौ भ्रातरो अयोध्यायां प्रति अचलताम। और महर्षि के साथ वे दोनों भाई अयोध्या के प्रति चले, मैंने अयोध्या की तरफ चले। तथा मिथिलायां सीताया स्वयंवरम आसीत। वहां रास्ते में मिथिला में सीता का स्वयंवर था। रामः तत्र शिवधनु अत्रोड़यत। और राम ने वहां भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा। सीताम च उद्वहत। और सीता को जीता, अर्थात सीता से विवाह किया। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना अपि तदैव विवाहिता अभवत्। और लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न भी वहीं अने जनक की पुत्रियों से विवाह किए, मैंने उनका भी विवाह वही हुआ। श्री रामा दशरथस्य आज्ञाया वनम अगच्छत। श्री राम दशरथ की आज्ञा से बन गए। सीता लक्ष्मण च अपि रामेण सह वनम अगच्छता। और सीता लक्ष्मण भी राम के साथ बन गए। श्री रामा सीतया लक्ष्मणेन च सह चतुर्दश वर्षाणि वने अवसत। श्री राम सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वन में रहे। अथ एकदा रावण सीताम अहरत। अथमन उसके बाद एक दिन रावण ने सीता को हर लिया। लंकाम चानयत, और लंका ले गया। सुग्रीवस्य हनुमतः च सहायतया। सुग्रीव और हनुमान की सहायता से
राम लक्ष्मण कुंभकर्ण मेघनादम रावणम च अनाशयत। राम और लक्ष्मण ने कुंभकर्ण मेघनाद और रावण का नाश किया, मैंने उन्हें मारा। तत्र तो सीताम पुनः अविंदताम, और तथा उसके बाद वे दोनों सीता को फिर से प्राप्त किए। अथ ते त्रय पुष्पक विमानेन अयोध्याम प्रत्यागच्छन्, और उसके बाद वे तीन पुष्पक विमान से अयोध्या में वापस आए, मैंने वहां से अयोध्या वापस आए। भरतः रामस्य स्वागतम, भरत राम की स्वागत किए। भरतः रामस्य स्वागतम अकरोत्, भरत ने राम का स्वागत किया। तस्मै च रामाय राज्यम समर्पयत, और राम को उनका राज्य समर्पित कर दिया, सौंप दिया। रामः धर्मेण प्रजा अपालयत, राम ने धर्म से प्रजा का पालन किया। रामस्य राज्ये सर्वे जना सुखिना प्रसन्ना च आसन, और राम के राज्य में सभी लोग सुखी और प्रसन्न हुए। इस प्रकार ये पूरा पाठ पूर्ण हुआ। तो बच्चों, आप इस पाठ के पूरे पैराग्राफ का अर्थ तथा सारांश अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।